आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, हमने जो साइंस की श्रृंखला स्टार्ट की है, आज उस साइंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये क्लास होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय रसायन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस केमिस्ट्री। ये एक ऐसी रसायन, ये एक ऐसा विज्ञान है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो सिविल सर्विस से हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, बहुत से एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन सबसे अधिक क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। और ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इस पूरे क्लास को देखिए, क्योंकि इसको समझने के बाद ही हम लोग ये समझ पाएंगे कि परमाणु बम कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन बम कैसे बनते हैं। तो इसी में आज कल दो वीडियो या तीन वीडियो लेकर के पूरा इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम, क्योंकि बहुत ही साइंस का महत्वपूर्ण ये क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे, परमाणु भार पढ़ेंगे, रेडियो सक्रियता, कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग। फिर इसके बाद जो आएगी वो हम लोग पढ़ेंगे परमाणु बम कैसे बनता है और हाइड्रोजन बम कैसे बनता है, वो सब बातें हम समझेंगे। चलिए, तो नाभिकीय रसायन में हमने परमाणु बता दिया था कि परमाणु क्या होता है। परमाणु एक अत्यधिक छोटी सी संरचना होती है जिसे हम लोग अपने इस नग्न आँखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों से किसी ने आज तक देखा भी नहीं है परमाणु कैसी होती है, बस कल्पना है उसके बारे में किया गया है। तो मैंने उसका पीछे क्लास बना दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर जो उसको न समझ में आया हो कि परमाणु के बारे में, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्रमांक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एटोमिक नंबर बोलते हैं। परमाणु क्रमांक मतलब एटोमिक नंबर। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं भाई? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटानों की संख्या जो होती है, प्रोटानों की संख्या, प्रोटानों की संख्या को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। आपके एग्जाम में सिंपल से पूछेगा कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो केवल जो प्रोटानों की संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ये मैंने आपको बता दिया था कि रदरफोर्ड साहब ने किसकी खोज की थी, प्रोटान की, प्रोटानों की संख्या, प्रोटानों की संख्या को क्या कहते हैं, प्रोटानों की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं। और एक शब्द आता है परमाणु भार, जिसे कहते हैं एटॉमिक मास, किसे कहते हैं। तो एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। किस संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्बन, हम लोग जो लिखते हैं कार्बन, जैसे लिखते हैं 6 कार्बन 14 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये ऊपर जो बताया जाता है, ये बताया जाता है एटॉमिक भार बताया जाता है, ये परमाणु भार बताया जाता है, ये भार है और ये क्या है, ये क्रमांक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 लिखा है, तो इसका मतलब ये 6 क्या है, इसमें इस परमाणु भार है, तो इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों इसमें है। यहाँ पर तो केवल क्या है, केवल प्रोटॉन है। तो अगर पूछ लिया जाए, आपको परमाणु भार दिया रहे और आपसे पूछे कि बताइए इस परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं, तो आप इस 14 में से 6 यहाँ पर प्रोटॉन दिया है, तो इसका मतलब 6 इसमें भी है, तो 6 क्या हो गए, प्रोटॉन हो जाएंगे। न्यूट्रॉन पूछा जाए कितने हैं, तो इसमें परमाणु भार में जब 6 प्रोटॉन है तो बचेंगे कितने, 8। ये 8 क्या है, 8 न्यूट्रॉन है, 8 क्या है, न्यूट्रॉन है। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से पता किया जाता है प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जितना उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे कहते हैं प्रोटॉन, और परमाणु भार यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये जो मेंडलीव साहब की आवर्त सारणी जो बनी थी, मेंडलीव साहब ने जो आवर्त सारणी अपनी बनाई थी, वो परमाणु भार पर आधारित थी। एग्जाम में पूछा हो गया है क्वेश्चन कि जो मेंडलीव साहब का आवर्त सारणी था वो किस पर बेस्ड था, तो वो आधारित था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या यानी परमाणु भार पर आधारित था। लेकिन जो उसके बाद हेनरी मोजले साहब ने जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है, हेनरी मोजले साहब का जो आवर्त सारणी है वो आधारित किस पर है, प्रोटॉनों की संख्या पर यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ये बातें आपको याद रखनी है, इतनी इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। फिर एक तीसरा शब्द आता है रेडियो सक्रियता। देखिए, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकता हो जाए, तो आप लोग पूरा मैनेज कीजिएगा। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता का मतलब होता है कि प्रकृति में कुछ ऐसे परमाणु मिलते हैं या ऐसे तत्व तो मिलते हैं जिनके नाभिक में से अपने आप कुछ कण या प्रकाश उत्पन्न होते रहते हैं, जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेडियो किरणें बोलते हैं।
उसे क्या बोलते हैं, रेडियो किरणें। तो जिन तत्वों के अंदर ये गुण पाया जाता है उस गुण को हम लोग बोलते हैं रेडियो सक्रियता का गुण कहा जाता है। ये किस में पाया जाएगा, यानी कि ऐसे नाभिक। नाभिक देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी नाभिक और एक होता है अस्थायी नाभिक। एक स्थायी नाभिक और एक अस्थायी नाभिक होता है। अस्थायी नाभिक, स्थायी नाभिक हम लोग उसे बोलते हैं जिनके केंद्र में, जिनके यानी ऐसे परमाणु जिसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। जैसे जो हाइड्रोजन होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने लिखा है। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक मिलते हैं। समस्थानिक जानते हैं किसे कहते हैं, समस्थानिक का मतलब ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व जिन जिनके परमाणुओं में परमाणु क्रमांक की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। परमाणु क्रमांक की संख्या क्या होती है, बराबर। परमाणु क्रम मतलब हाइड्रोजन की जो प्रोटॉनों की जो संख्या है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे हाइड्रोजन लीजिए, इसके तीन होते हैं समस्थानिक, यानी जिसे बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें क्या है, इसका परमाणु क्रमांक एक है, प्रोटियम का। प्रोटियम का परमाणु क्रमांक क्या है, एक होता है। तो और उसमें और उसका परमाणु भार क्या होता है, शून्य होता है। परमाणु भार कितना होता है, शून्य होता है। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन एक तो है लेकिन न्यूट्रॉन एक भी नहीं है। दूसरा जो हाइड्रोजन होता है जिसमें दो, जिसमें क्या होते हैं, उसका परमाणु भार एक होता है। तो इसका मतलब एक इसमें प्रोटॉन है तो एक क्या होगा, इसमें न्यूट्रॉन भी होगा। एक प्रोटॉन और एक क्या है, न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन है इसमें और एक क्या है, न्यूट्रॉन है। और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या है, इसमें जीरो न्यूट्रॉन है क्योंकि एक भी भार नहीं है इसका है। और एक क्या होगा, इसमें प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन है। और इसमें देखें तो इसका मतलब है कि इसका परमाणु क्रमांक एक है, परमाणु क्रमांक एक है। तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर, एक। और न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, क्योंकि एक प्रोटॉन है तो एक क्या होगा, इसमें इसमें दो न्यूट्रॉन है, परमाणु भार दो है। तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन दो है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, एक। इलेक्ट्रॉन के कितने हैं इसके अंदर, एक है। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि इसमें जो है एक ही क्या है, एक ही प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं, दो। तो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अनुपात होता है वो क्या होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से जब अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि अगर देखा जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अनुपात हो, जो इनके बीच में जो अनुपात होता है वो कम बेसी होता है। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या मान लीजिए कि तीन है और प्रोटॉनों की संख्या एक है, तो ये स्थायी नाभिक नहीं है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, अधिक है। स्थायी नाभिक किसे कहते हैं, जिसमें मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों में, दोनों के पास एक एक है। मान लीजिए कि 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, समान है, तो ये स्थायी नाभिक कहलाएंगे। यानी जितने प्रोटॉन उसमें है उतने ही न्यूट्रॉन है। तो ऐसे नाभिक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी नाभिक। और ये जो स्थायी नाभिक होते हैं ये रेडियो सक्रिय नहीं होते, मतलब इनके नाभिक में से अपने आप प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। और जिनमें से, जिनमें प्रोटॉन की संख्या कम हो और न्यूट्रॉन की संख्या अधिक हो तो वो क्या होंगे, रेडियो सक्रिय। इनमें जो ये एक्स्ट्रा दो जो न्यूट्रॉन है, एक्स्ट्रा दो न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन से दो अधिक है न्यूट्रॉन ना, ये जो एक्स्ट्रा दो न्यूट्रॉन है ये अपने आप को संतुलित करने के लिए, यानी इसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर करने के लिए अपने आप को प्रकाश के कणों के रूप में बाहर निकलेगा। किस रूप में, ये मतलब ये परमाणु है, ये परमाणु के नाभिक में एक ये प्रोटॉन है, एक ये क्या है, ब्लैक से जो बना रहे हैं प्रोटॉन है, पी लिख देते हैं। और इसके अंदर तीन क्या लिख देते हैं, ये तीन न्यूट्रॉन है, ये तीन क्या है, न्यूट्रॉन है। अब ये जो तीन न्यूट्रॉन में से दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है ये अपने आप को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। अपने आप को ये प्रकाश के कणों के रूप में क्या करेगा, बाहर निकालेगा। क्यों बाहर अपने आप को निकल रहा है, अपने आप को संतुलित करने के लिए। संतुलित का मतलब है कि वो अपने आप को प्रोटॉन के बराबर करना चाहता है। जब प्रोटॉन के बराबर करने के लिए प्रकाश के कणों के रूप में निकलेगा तो उसी प्रकाश के कणों को कहा जाता है रेडियो सक्रियता। उसी गुण को क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रियता। ये जो प्रकाश के कणों के रूप में बाहर निकलता है तो इसी को बोलते हैं एल्फा, बीटा और गामा। इसी को क्या बोलते हैं, वो जो प्रकाश की कड़ी जो बाहर निकल रही हैं उसी को क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा के रूप में बाहर निकलेगी। और ये अल्फा बीटा गामा क्या है, यही न्यूट्रॉन जो अपने आप को कण के रूप में परिवर्तित कर लिया है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा बीटा और गामा। मेरी बात आप लोग समझ में आई, ध्यान से समझिए, फिर मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि रेडियो सक्रियता क्या होती है।
हमने कहा कि अगर न्यूट्रॉन की संख्या अधिक है प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन अपने आप को स्थायी नाभिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा कि अपने दो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उसको बाहर निकालेगा और वो टूटेगा। किस रूप में टूटेगा, टूट टूट के किस रूप में बाहर निकलेगा, तो एल्फा बीटा और गामा, मतलब ये न्यूट्रॉन से ही टूट करके अलग हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, न्यूट्रॉनों को तोड़कर इसी से क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3, तभी ना इसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, क्योंकि एक यहाँ पर परमाणु क्रमांक एक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो दो इसमें न्यूट्रॉन होंगे। इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन और याद आ गया कि आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक जो होता है वो रेडियो सक्रिय होता है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है, तो उसको आपको याद रहे कि इसे बोलते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, मेरा आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे याद करके रखें। हाइड्रोजन के जो तीन समस्थानिक होते हैं इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। तो ट्राइटियम जो होता है रेडियो सक्रिय होता है, क्योंकि देखिए इसमें एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, दो न्यूट्रॉन दो है, तो इसका मतलब एक जो इसमें से न्यूट्रॉन है अपने आप को किस रूप में बाहर निकलेगा, इसी अल्फा बीटा गामा के किरणों के रूप में बाहर निकलेगा, इसी को बोलते हैं रेडियो सक्रियता। ये बात आपको याद रहे, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही आप लोग याद रखें, नहीं तो आप भूल जाएंगे, तो एक क्वेश्चन आपका ये गलत हो जाएगा। इसके बारे में इतना आप जानते रहें। देखिए भाई अगला शब्द होता है कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग। तो ये बातें अल्फा बीटा गामा के बारे में हम लोग अभी समझ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कोई जीवाश्म, जीव जंतु का जो हड्डी कुछ भी मिलता है, तो हम लोग उसका पता लगाते हैं कि ये 18 साल पुरानी है, ये 65 साल पुराना है, ये इतने हज़ार साल पुरानी है। तो ये लोग हम लोग ये पता कैसे करते हैं, तो ये कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम लोग पता करते हैं। कार्बन डेटिंग क्या होता है, तो देखिए कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि जो कार्बन 14 होता है, कार्बन जो 14 होता है, ये कार्बन 14 जो होता है रेडियो सक्रिय होता है, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है। रेडियो सक्रिय क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब है कि इसके नाभिक से न्यूट्रॉन जो होता है वो टूट के अपने आप को अल्फा बीटा गामा के रूप में क्या कर रहा होता होगा, कन्वर्ट करता रहा होगा, उसमें से प्रकाश के कणों के रूप में बाहर निकलता है। तो ये वायुमंडल, जैसे कि मान लो कि हमें एक जीवाश्म प्राप्त हुआ, ये मान लीजिए कि एक जीवाश्म में एक हड्डी प्राप्त हुआ, और उसका वर्तमान में जो भार है वो 1 ग्राम है, कितना है 1 ग्राम है, और हम वायुमंडल में जितना कार्बन 14 उपस्थित होता है, वायुमंडल में कार्बन 14 जितना उपस्थित होता है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में भी कार्बन 14 उतना ही क्या होता है, उपस्थित रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें एक डायनासोर की हड्डी प्राप्त हुई और वो कितना था, 64 ग्राम था, मतलब 1 ग्राम बचा हुआ है, जबकि हमें पता है कि शुरुआत में वायुमंडल में कितना रहा होगा, 64 ग्राम रहा होगा, 64 ग्राम। तो अब ये हमें पता करना होगा कि जो डायनासोर की जो हड्डी है ये कितने हज़ार साल पुरानी है, या कितने हज़ार साल पहले ये जीवित रहा होगा। तो इससे क्या करते हैं कि अर्धायुकाल निकलते हैं, अर्धायुकाल मैंने उसको छोड़ दिया है कि अर्धायुकाल क्या होता है, मैंने नहीं समझा। देखिए अर्धायुकाल क्या होता है कि कोई जीवाश्म जो होता है, जीवाश्म में जो उपस्थित कार्बन होता है वह अपने एक साल, मतलब उसका अर्धायुकाल मतलब जितने समय में उसके अंदर उपस्थित जितने कार्बन होते हैं अपनी टोटल मात्रा का आधी हो जाना, उसे कहते हैं अर्धायुकाल। नहीं समझ आते, एग्जाम्पल से भी समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो कि कार्बन 14 जो है हमें प्राप्त हुआ वो कितना, 64 ग्राम प्राप्त हुआ है, और कार्बन 14 का अर्धायुकाल जो होता है वो कितना होता है, लगभग होता है ये 5,500 साल, कितना होता है 5,500 साल। 5,500 साल का मतलब अर्धायुकाल ही क्या है, अर्धायुकाल का मतलब होता है कि कार्बन 14 जो होता है कि अपने 5,500 साल जब गुजरेगा तो ये अपने भार का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अपने भार का क्या हो जाएगा, आधा। तो 64 ग्राम हमें प्राप्त हुआ है, 64 ग्राम, तो ये फिर कितना होगा आधा, ये 32 ग्राम, फिर कितना होगा ये 16 ग्राम, फिर कितना होगा ये 8 ग्राम, 8 ग्राम, फिर उसके बाद कितना होगा 4 ग्राम, फिर कितना होगा 2 ग्राम, फिर कितना होगा 1 ग्राम। तो हमने कहा कि ये जो कार्बन 14 है 5,500 सालों में आधा हो जाएगा, अपनी मात्रा का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि अर्धायुकाल हम बता रहे हैं। अर्धायुकाल का मतलब जितनी मात्रा है और जितने समय में अपनी मात्रा का आधा हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसका अर्धायुकाल। जैसे कि 64 ग्राम है तो
साढ़े पाँच हज़ार सालों में ये कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। ये 5,500 साल क्या है, अर्धायु काल है, कि मतलब पहले 64 ग्राम था, तो ये 5,500 सालों में कितना बचेगा, 32 ग्राम बचेगा। फिर 32 ग्राम था तो फिर वो 16 ग्राम होने में कितना लगेगा समय, 5,500। मतलब कार्बन 14 का जो वो अर्धायु काल है 5,500, फिर ये 5,500 साल, फिर 5,500 साल, फिर 5,500 साल, फिर 5,500 साल। तो इसका मतलब अगर हमसे पूछे कि डायनासोर का जो ये हड्डी है ये कितना साल पुराना है, तो हमें 1 ग्राम आज हमारे पास है और हमको पता है कि जो जो ये जीवाश्म प्राप्त हुआ है इसमें उस वक्त के वायुमंडल में 14 ग्राम रहा होगा, 64 ग्राम रहा होगा। ये वैज्ञानिकों के पास इसकी डाटा होती है कि आज से कितने साल पहले कितना कार्बन रहा होगा, कार्बन 14 की मात्रा वायुमंडल में कितनी रही होगी, तो उतना हमारे हड्डियों में रहता है। तो इसका मतलब 5,500 यानी कि 11,000 साल पुरानी, फिर 16,500, फिर 23,000, 22,000, 5,500 होगा ना, 5,500, फिर से जोड़ लेते हैं तो 11,000, 11 और 22,000, 22, 10, 22, 11, 33। ये जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है डायनासोर का ये कितने साल पुराना है, 33,000 साल पुराना है। कितना है, 33,000 साल पुराना है। ये कार्बन डेटिंग से हम लोग किसी जीवाश्म के जीवन काल का पता लगाते हैं कि कितनी पुरानी है। हमने बताया कि उसमें जो कार्बन 14 है अपने 5,500 सालों में क्या हो जाता है, अपने जितना उपस्थित रहा होगा उस वक्त के वायुमंडल में उसका आधा हो जाता है। तो इससे जीवाश्म का पता लगाते हैं, क्योंकि कार्बन 14 बहुत जल्दी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब कि 1 लाख साल के आसपास तक जाएगा तो फिर वो भी जो 1 ग्राम बचा है वो 1 ग्राम भी समाप्त हो जाएगा। तो फिर आप किसी जीवाश्म को कैसे पता लगाएंगे कि इस जीवाश्म कितना पुराना है, तो और हमारी पृथ्वी 4 करोड़ साल पुरानी है, 4 करोड़ साल पुरानी है, तो इसका मतलब चट्टान इस सब के बारे में कैसे पता लगाएंगे कि कितनी पुरानी है। तो उस जगह पे ये वाली विधि काम नहीं आती है कार्बन डेटिंग की, तो उस जगह यूज करते हैं यूरेनियम डेटिंग। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानों इन सब का जो जीवन काल पता लगाया जाता है वो किस विधि से पता लगाते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। यूरेनियम डेटिंग का कितना अर्धकाल कितना होता है, यूरेनियम का जो होता है अर्धायु काल वो लगभग 1,80,000 होता है। कितना होता है, 1,80,000। 1,80,000 का मतलब वो जैसे 5,500 सालों में क्या हो जाता है, आधा हो जाता है अर्धायु काल इसकी है कार्बन 14 की, इसका जो है 1,80,000 साल। जैसे मान लो कि हमने हिमालय से चट्टान तोड़ कर लेके आया, एक चट्टान तोड़ कर लेके आया और उसमें से हमने यूरेनियम निकाला, क्या निकाला, यूरेनियम। उसमें से यूरेनियम जो होता है वो 1,80,000 साल में अपने क्या करेगा, उसकी मात्रा आधी हो जाएगी। अब जैसे मान लो कि हमें पता चला कि यूरेनियम जो चट्टान में उपस्थित है वो कितना है, वो उसका कितना कितना मात्रा बचा है, जैसे मान लीजिए कि 128 ग्राम उसमें बचा है यूरेनियम, 128 ग्राम बचा हुआ है। अब 128 ग्राम है तो इसका मतलब ये पूछा जाए कि ये हिमालय कितनी पुरानी है, तो हम लोग इसी के आधार पर पता लगाएंगे 128 से कितना होगा, वो 64 होगा, कितना होगा 64, फिर 64 का आधा कितना होगा 32, 32 का कितना होगा आधा, 32 का कितना होगा 16, 16 का आधा कितना होगा 8, 8 का आधा कितना होगा 4, 4 का आधा कितना होगा 2, 2 का आधा कितना होगा 1। इसका मतलब है कि 1,80,000 में, 1,80,000 सालों में अपने आप को ये यूरेनियम जो है आधा कर रहा है। इसका मतलब कि कितने साल गुजरे होंगे, तो यहाँ पर एक लिख लीजिए 1,80,000, 1,80,000 यहाँ पर, 1,80,000 यहाँ पर साल, 1,80,000 यहाँ पर, 1,80,000, 1,80,000 पूरा टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये थोड़ा ऐसे जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको मान लेते हैं जैसे 2 लाख, कि 2 लाख सालों में अपने आप को आधा कर रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 2 लाख 4 लाख 8 लाख 2 लाख 4 लाख 6 लाख 8 लाख 10 12 14 14 लाख साल पुरानी ये चट्टान होगी हिमालय की, कितनी पुरानी होगी 14 लाख साल। यूरेनियम डेटिंग से ये पता कर लिया था कौन सी चट्टान कितनी पुरानी है। तो आपको पता रहेगा कि जब किसी चट्टान रॉक्स की बात की जाए कि इसकी जो जीवन काल है इसका पता कैसे लगाया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग से पता लगाया जाता है। और कार्बन डेटिंग से किसी जीवाश्म की हड्डियों से पता कराया जाता है कि कितनी पुरानी है। अब उसके बाद आ जाते हैं जो अल्फा बीटा गामा की बात करें, उसको समझा लेते हैं, आज खत्म हो जाएगी वाला। देखिए अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो हमने बताई कि रेडियो सक्रियता यानी कि न्यूट्रॉन जब अपने आप को प्रकाश के रूप में बाहर निकालता है तो उनमें
से जो प्रकाश के कण के बाहर निकल रहे हैं वो किस रूप में बाहर निकल रहे हैं, यही अल्फा बीटा गामा के रूप में निकलते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अल्फा की प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक होती है। अल्फा की प्रकृति कैसी होती है भाई, धनात्मक होती है। बीटा की प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और गामा उदासीन होता है, उदासीन मतलब ये किसी से बातचीत नहीं करता है। ठीक है, आवेश अगर पूछा जाए आवेश, तो इस पर दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि परमाणु है, इसके अंदर से न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन उपस्थित है, न्यूट्रॉन जब अपने आप को कणों के रूप में टूट के बाहर निकलेगा, तो अगर हमने कहा कि अल्फा कण इसमें से बाहर निकला, अल्फा कण अगर इसमें से बाहर निकला तो उस पर कितना चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर। और हमने कहा कि बीटा कण निकल रहा है, इस पर कितना चार्ज रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो अल्फा कण पर दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा और बीटा कण पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। और हमने कहा कि अगर उसमें से गामा किरण निकल रहा है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जब टूट करके निकला, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एक्चुअली न्यूट्रॉन जो टूटा है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकला। जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम कहेंगे कि अल्फा निकला है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या कहेंगे हम, बीटा निकला है। और जब कोई भी मतलब निकल रहा है बस किरण, लेकिन द्रव्यमान नहीं निकल रहा है, तो हम कहेंगे कि वो गामा है। क्या है, गामा है। फिर द्रव्यमान पूछा जाता है, द्रव्यमान का मतलब होता है भार। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, भार होता है। द्रव्यमान का मतलब भार होता है। तो हमने भी बताया आपको कि न्यूट्रॉन ही क्या बनता है, अल्फा बीटा गामा। तो यानी अगर आपसे कहें कि अल्फा का भार कितना होता है, अल्फा का भार कितना होता है, तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये बराबर होगा इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन नहीं अल्फा के, अल्फा कण के बराबर होगा। यानी अगर आपसे हमने कहा कि एक अल्फा कण बाहर निकल रहा है, इसका मतलब समझ लेना कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन दोनों साथ में जुड़ के क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन ये साथ में जब जुड़ के निकलेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉन अल्फा कण बाहर निकला है। और जब हम कहेंगे कि बीटा कण निकल रहा है, तो इसका मतलब केवल एक अल्फा कण बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम हो रहा है, केवल एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम हो रहा है। और जब अगर गामा किरण हमने कहा निकल रहा है, तो इसका मतलब वो उसमें से कोई भार उसका कम नहीं हो रहा है, द्रव्यमानहीन है। जैसे समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि यूरेनियम 235 जो होता है, इसका मतलब 92, ये क्या है, ये इसकी परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 92 है। अगर हमने कहा कि एक बीटा कण निकला, तो अभी हमने बताया कि एक बीटा कण किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बीटा कण किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। यानी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला भाई, न्यूट्रॉन टूटकर इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक न्यूट्रॉन तो कम हो गया, एक न्यूट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। नहीं समझ में आ रहा था, देखिए इसे, ये न्यूट्रॉन टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर मैंने बताया ना कि न्यूट्रॉन होगा और क्या होगा, प्रोटॉन होगा। ये टूटेगा तो इसमें बाहर निकलेगा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, तो एक बीटा कण हमने बाहर निकाला, तो इसका मतलब है कि एक क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका परमाणु क्रमांक एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ना समझ में आ रहा तो सिंपल से समझिए कि अगर आपसे कोई कहे कि एक बीटा कण निकल रहा है, तो उसके परमाणु क्रमांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परमाणु क्रमांक एक से बढ़ जाएगा, एक से परमाणु क्रमांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि उसका परमाणु भार पे, तो परमाणु भार पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी बाहर निकल रहा है, केवल क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। देखिए ना, बीटा कण मैंने बताया इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, प्रोटॉन थोड़ी निकल रहा है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो इसका मतलब इसका परमाणु भार पे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, क्योंकि टूटा था तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन टूटा था, तो इसका एक क्या हो जाएगा, प्रोटॉन बढ़ जाएगा। ना समझ में आए तो सिंपल से याद रखना कि बीटा कण बाहर निकलेगा तो एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा। और अगर एक अल्फा कण निकल रहा है, तो हमने कहा कि एक अल्फा कण निकलने का मतलब है दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन के बराबर। अब दो प्रोटॉन निकल रहा है, तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, दो घट जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक दो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि दो प्रोटॉन भी निकल रहा है और न्यूट्रॉन भी दो निकल जाए, इसका मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए तो परमाणु क्रमांक चार, जो परमाणु भार होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु भार चार से घटेंगे, परमाणु भार क्या होगा, चार से घटेगा। अल्फा कण को फिर समझ लीजिए, अल्फा कण जो होता है जब ये बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनता है, परमाणु भार। तो यानी चार परमाणु भार कम हो जाएंगे, 235 यूरेनियम 235 जो होता है उनमें से चार परमाणु भार कम हो गया, तो 231 बचेगा, और दो प्रोटॉन भी बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब परमाणु भार जो 90 है, तो क्या हो जाएगा, ये
92 है तो क्या हो जाएगा 90। तो ये जानते हैं कि 93 यूरेनियम जो इसमें से निकलेगा, एक निकलेगा तो 93 जो हो जाता है उसको बोलते हैं नेपच्यूनियम, और जो 90 होता है जिसका परमाणु क्रमांक उसे क्या बोलते हैं थोरियम, क्या बोलते हैं थोरियम। फिर उसके बाद आगे है बीटा, जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बीटा निकलेगा तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है और द्रव्यमानहीन होता है। गामा किरण क्या होते हैं द्रव्यमानहीन होता है। फिर अगर गति की बात कर ले कि ये जो तीनों निकलेंगे तो सबसे अधिक इसमें से गति किसकी होगी, तो याद रखिएगा कि एल्फा का जो गति होता है वो प्रकाश से 100 गुना कम होता है, प्रकाश की अपेक्षा क्या होता है 100 गुना कम होता है, और बीटा की बात करें तो ये लगभग प्रकाश के बराबर होता है, प्रकाश से थोड़ा कम होता है। बीटा कण जब निकलेगा तो प्रकाश से थोड़ा कम गति पर निकलेगा, और जब गामा किरण निकलेगा तो ये किससे निकलेगा प्रकाश की गति से प्रकाश की गति के बराबर या प्रकाश की गति से अधिक ही रहेगा इसकी चाल, किसकी गामा किरण की। तो गामा किरण एक प्रकार से प्रकाश ही है, गामा किरण क्या है एक प्रकार से प्रकाश ही है, सी का मतलब लाइट से होता है, लाइट प्रकाश बताया गया। तो फिर से ध्यान दीजिएगा कि एल्फा जो होता है इसकी गति जो होती है सूर्य प्रकाश से 100 गुना कम होती है, और बीटा की प्रकाश की गति से थोड़ा कम होती है, जबकि गामा किरण जो होती है इसकी प्रकाश से लगभग बराबर होती है। फिर होता है भेदन क्षमता, भेदन क्षमता का मतलब होता है पेनिट्रेशन पावर मतलब भेदन क्षमता। जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ, मेरे पास ये तीनों किरणें आएंगी तो इनमें से मुझे सबसे तेजी से जो मुझे भेद कर मेरे आर पार चला जाएगा, मुझे भेद करके, भेदना का मतलब किसी को छेद करके क्या करना बाहर निकल जाना, इन तीनों में से सबसे कम भेदन क्षमता जो होती है वो किसकी होती है एल्फा की, क्योंकि सबसे भारी होता है ना भाई, एल्फा क्या होता है सबसे भारी होता है, क्योंकि देख रहे हैं दो हीलियम के जो नाभिक होते हैं, दो हीलियम के नाभिक यानी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के बराबर है एल्फा कण, इसका मतलब सबसे भारी है, तो जिसकी वजन सबसे अधिक होगा उसकी रफ्तार क्या होगी सबसे कम होगी, यानी भेदन क्षमता किसी चीज़ को भेदने की जो क्षमता होगी सबसे कम होती है, तो एल्फा की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। गामा की इससे बीटा की थोड़ी भेदन क्षमता किससे एल्फा से ज़्यादा होती है, और गामा की मैक्सिमम होती है, गामा की जो किरणें होती हैं इसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसकी भेदन क्षमता इतनी ज़्यादा है कि अगर मान लीजिए कि मैं एक मोटा सा दीवार बना दूँ पीतल का अगर मैं एक दीवार बना दूं या एल्युमिनियम का एक दीवार बना दूं, फिर उस पर मैं गामा किरणें अगर मैं उस पर चला दूं तो वो एल्युमिनियम या पीतल की दीवार को भी क्या करेगा काट देगा, इतनी ये खतरनाक किरण है गामा किरणें। और इनको हम देख सकते हैं तो नहीं, गामा किरणें हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जो वैज्ञानिक पिनाला या विबग्योर के नाम से आप लोगों ने याद कर रखा है प्रकाश, उनमें से जिनकी जो एंगेस्टान होता है 38,000 से कम, जिसकी एंगेस्टान होती है उसे हम लोग नहीं देख सकते, तो ये 38,000 से कम एंगेस्टान वाले में आते हैं अल्फा बीटा गामा किरणें, तो इन्हें हम तो देख नहीं सकते, लेकिन भेदन क्षमता इसकी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी, जैसे अगर अमेरिका के पास इसकी बहुत अधिक मतलब इसके बारे में सबसे अधिक तकनीक किसके पास है अमेरिका के पास, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका पर मान लीजिए परमाणु बम से हमला कर दे या मिसाइल भेज दे तो उसके पास ये जो गामा किरणें वाला जो गन है गामा गन जो है सबसे प्रबल शक्तिशाली है उसके पास, वो चाहे तो मिसाइल को क्या कर सकता है आसमान में काट सकता है, बहुत पावरफुल है। अगर हाथ में आपके पास ये हथियार आ जाएगा गामा रे वाला तो आप क्या करेंगे, जिससे आपका दुश्मनी हुआ होगा बस आप टार्च के रूप में जलाएंगे और पूरा काट देंगे, ऐसे लेके घूम जाएंगे पूरा दीवार उवार पेड़ पौधे सब कट जाएंगे, जो व्यक्ति खड़ा होगा वो भी कट जाएगा। तो गामा रे का उपयोग करके जो गामा गन बनाया जाता है बहुत ही खतरनाक बनाया जा सकता है, यही होता है गामा रे। फिर उसके बाद आता है आयन क्षमता, आयन क्षमता का मतलब अगर किसी रूम में अगर आप भेजेंगे किसी को तो वो सबसे अधिक कणों से कौन टकराएगा, तो जानते हैं कि अल्फा जब सबसे भारी है तो इसका मतलब सबसे अधिक जो कणों से टकराएगा वो कौन है, मतलब आयन क्षमता वो किसकी सबसे अधिक होगी तो अल्फा को होगी। फिर उस एवरेजन मतलब औसतन, ये जो मैक्स लिखा ना मैक्स का मतलब मैक्सिमम और मीन का मतलब मिनिमम, तो सबसे अधिक जो आयन क्षमता है वो किसकी है अल्फा की है, फिर उससे कम किसकी है बीटा की है, और गामा की कोई भी इसकी आयन क्षमता नहीं होती क्योंकि ये सबसे हल्की है, तो इसको तो इससे क्या कर सकते हैं, ये किसी से टकराएगा नहीं, बहुत हल्का है ये। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम कैसे बनता है। ये जो रेडियो सक्रियता है इसकी खोज जिसने किया था उस व्यक्ति का नाम था हेनरी बैकुरल, क्या नाम था हेनरी बैकुरल नाम था। तो देखिए इस रेडियो सक्रियता से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोना बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं रेडियो सक्रियता से ही। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में अभी इस बातों को समझेंगे, धन्यवाद सभी को, बाय।